तो फ्रेंड्स स्वागत है नई वीडियो में। आज का टॉपिक है इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट इनेबल डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है सिस्टम पे, सॉरी फ्रेंड्स मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप नीचे की लास्ट में इस प्रकार से करेंगे आप। तो आप मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है। तो आपको यहाँ दिखेगा फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि जब आपके मैसेज आए तब आपका फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, जब फ्लैश लाइट उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो आपका पीछे बैक साइड होगा साइड से लाइट या फिर फ्रंट साइज मतलब फ्रंट पे होगा लाइट, फ्रंट पे कोई नहीं है लाइट मेरे में तो आप आपका साइड बैक साइड में हो। और फ्रेंड्स और इसको कैसे इनेबल करते हैं, इस प्रकार से इनेबल करते हैं और इस प्रकार से डिसेबल करते हैं। आप किस किस पे लगाना चाहेंगे लाइट, मैं दोनों पे लगाना चाहूँगी। जब आपका मैसेज आएगा तब तो आपका फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जब कॉल आता है तो आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा फीचर है इसमें, जब भी आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका जो है कैमरा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैमरा फ्लैश विल ब्लैंक, यानी कि आपका कैमरे पे जो है फ्लैश लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक वाला इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं इनेबल करके रखना चाहूँगी, जब भी मेरे पास कोई कॉल आए तो मेरा फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, इससे कि आपको पता चलेगा कि कोई कॉल आ रहा है। अब ऐसे में आपको रिंगटोन से तो पता ही चल जाएगा, पर फ्रेंड्स इस पे लगाने से सही रहता है। और फ्रेंड्स आप यहाँ से बैक करेंगे तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट इनकमिंग कॉल को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार।